समंदर जिस कदर हसीन उतना ही पुरसरार। लहरों का ये दौरान रेत पर लिखी तहरीरें और नकूश ही नहीं, तकदीरें भी मिटा सकता है। फिर भी हर साहिल तफरीह का एक मुकाम, जहां हर रंग और उम्र का शख्स हंसता मुस्कुराता नजर आता है। हॉक्स बे कराची के शहरियों के लिए एक ऐसा ही तफरी मुकाम है, जहां लोग तवील सफ़र तय करके पहुंचते हैं और यहां गुजारे गए लम्हात में कई सालों की तकन से निजात हासिल करते हैं। यहां साहिल के साथ रेस्ट हाउसेस और हट्स मौजूद हैं। सर्द मौसम में ये हट्स अमूमन अंधेरों और सन्नाटों में गर्क रहते हैं। हट्स के साथ खुदरौ झाड़ियों के जंगलात हैं, जो अंधेरे में हौलनाकी की मिलावट करते हैं। ये गैर आबाद इलाका है, जहां बिजली की कोई मुस्तकिल सहूलत मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि अंधेरा और सन्नाटा पुरेसरार मखलूकात को अपनी तरफ बुलाता है। हॉक्स बे के ये हट किसी के लिए आर्जी कयामगाह है और किसी के लिए मुस्तकिल घर। इस कहानी में एक दरवाज़ा खुलता है, जिससे दो डायमेंशंस का तसादम होता दिखाई दिया है। ये गाड़ी क्यों रुक गई है? अब शायद गाड़ी खराब हो गई। खराब हो गई है? बेटा आदिल जरा जाके देखो तो क्या मसला है, क्या परेशानी, क्या हुआ, क्या है, देखो जरा जाके। जी अब्बू। हाँ। अरे सर क्या हो गया गाड़ी को? बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस थोड़ी गर्म हो गई। कुछ लंबी टेंशन तो नहीं है? नहीं नहीं कोई। पापा वो ड्राइवर कह रहे हैं 10-15 मिनट लगेंगे, गाड़ी ठीक हो जाएगी। खामोश हो जाओ भाई, खामोश हो जाओ। ये बच्चे भी हर चीज को एंजॉय करते हैं, अब कहीं पिकनिक ना खराब हो जाए, सारी एंजॉयमेंट धरी की धरी रह जाएगी। मेरा नाम शाहीन हुसैन है और मेरे शौहर का नाम जुनैद हुसैन। मेरे शौहर एक मल्टी नेशनल कंपनी में मुलाजिम है। मेरी सास के इंतकाल के बाद क्योंकि हम ही घर के बड़े हैं, तो घर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले हम दोनों को ही करने पड़ते हैं। मेरे मियाँ घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। गुज़िश्ता 15 साल से हम लोग एक बड़ी पिकनिक अरेंज कर रहे हैं, जिसमें ख़ानदान के तकरीबन करीब करीब के रिश्तेदार शामिल होते हैं। कभी हम लोग फार्म हाउस पर जाते हैं पिकनिक के लिए और कभी किंजर झील जाते हैं, मगर ज़्यादातर हम लोग हॉक्स बे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और मुझे भी वहाँ की रेत पर चलना, गीली रेत पर चलना बहुत अच्छा लगता है। हमारा तरीका ये है कि हम लोग पिकनिक पे अक्सर शाम में ही पहुंचते हैं, इसलिए कि वहाँ पे फिरोज़ धूप की तपिश भी नहीं होती और बच्चे खूब इंजॉय करते हैं और रात भर वहाँ रुकते हैं और दूसरे दिन वापस आते हैं। और इस तरीके से ये होता है कि हमें ज़्यादा टाइम मिलता है और हम ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। जो मैं आपको वाकया सुना रही हूँ ये आज से 3 साल पहले का है। हम लोग हॉक्स बे जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, उसको बनवाने में हमें काफ़ी देर हो गई। जब हम हॉक्स बे पहुँचे हैं तो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा छा रहा है। हमारा आधा दिन सफ़र में गुजर चुका था और हम बहुत थक गए थे, मगर बच्चों के चेहरे पे कोई थकान नहीं थी, उन्हें पिकनिक की बहुत ज़्यादा खुशी थी। फिर जैसे ही गाड़ी रुकी है तो हम सब सामान लेके हट में चले गए। देखो जरा, हैं ये देखो सामने, इधर देखो, माशाल्लाह देखो।
वाह वाह वाह, क्या फ्रेश एयर है, हैं? कितना अच्छा मौसम है। चलो भाई माशाल्लाह। अरे भाई पिकनिक में तो महफिल ही जमेगी, आइए आप भी महफिल एंजॉय करें। तुम आ गई हो, महफिल तुम बाकी संभालो, हम जा रहे हैं शतरंज खेलने। भाई नहीं बाबू, हम जा रहे हैं शतरंज खेल के आएंगे और बोटियां तैयार हो जाएं। सुनो भाई, तो हमें बुला लेना वहां से। अरे भाई यहाँ भी कर लो, घर में भी कर लेती हो, बस हमें भी आते हैं, तुम्हारा हाथ बटाते हैं आके। एक अरे भाई तुम यहाँ क्यों अकेली बैठी हुई हो, जाओ वहाँ जाके एंजॉय करो। बाहर मच्छर है ना, तो समीर को मच्छर काटेंगे, इस वजह से यहाँ लेके बैठे। अच्छा, लेकिन बहरहाल देख लो, जाओ जरूर एंजॉय करो और हम जा रहे हैं शतरंज खेलने। अदील। हाँ क्या हुआ? इधर आओ, जरा सबर कर जाओ, आ रहा हूँ। अरे भाई सना, अदील से कोई काम है क्या? अदील को क्यों बुला रही हो? अम्मी एक कमरे में चाचा जान और अब्बू ने शतरंज लगाई हुई और दूसरे कमरे का दरवाजा बंद है, समीर को कहाँ लिटाऊं मैं? तो बेटा दूसरा कमरा खोल लो ना। खोला है लेकिन नहीं खुल रहा, अंदर से बंद है वो। चलो मैं देखती हूँ। चलो मैं देखती हूँ कि क्यों नहीं खुल रहा ये दरवाजा। अदील काम में मसरूफ था इसलिए मैं सना को लेकर अपने साथ चली गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती रही, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने सोचा शायद धक्का लगाने से खुल जाएगा। लगता है दरवाज़ा जैम हो गया है। अदील को बुलाओ बेटा। सना तुमने इसको फिट कराया? जी, इसे कहीं लेटाऊंगी तो फिटर बना के दूंगी ना मम्मी। क्या हुआ, क्यों नहीं खुल रहा दरवाज़ा? बेटा लगता है ये तो अंदर से बंद है। यार ये तो काफी ऊंचा है, रुको मैं चेयर लेके आता हूं।
आदिल भाई देख के चोट ना लग जाए। तुम अंदर जाओ, मैं इसे खोलता हूँ।